हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम दो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ, जो कि काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ रूल्स के बारे में बात भी करेंगे, जो है मार्कोव निकोज और एंटी मार्कोव निकोज रूल, जिनके ऊपर एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं रिएक्शन विद HX। देखिए, जब भी कोई एल्कीन जो है वो HX के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन जो होगी वो डिपेंड करता है कि वो एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर रिएक्शन एल्कीन जो है वो क्या है, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल एल्कीन कुछ इस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जितने लाइन के इधर होंगे कार्बन एटम, उतने ही इस साइड होंगे, कहने का मतलब सिमेट्री है। तो बॉन्ड इधर भी मूव कर सकती है और बॉन्ड इधर भी मूव कर सकती है, क्योंकि अगर बॉन्ड इधर मूव करती है तो भी सेम सिनेरियो होगा, और अगर बॉन्ड इधर मूव करती है तो भी सेम सिनेरियो होगा। इस पे माइनस, इस पे प्लस, या इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे इसका रिएक्शन हमें कराना है HX के साथ, तो एच प्लस एक्स माइनस। अब देखिए, ये जो प्लस है ये किस पे जाएगा, माइनस पे। तो सबसे पहला स्टेप होता है अटैक ऑफ एच प्लस। तो एच प्लस ने अटैक किया और एच प्लस इस पे चला गया, तो ये हो गया CH2 पे प्लस चार्ज आया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सॉरी, क्योंकि डबल बॉन्ड तो मूव कर चुकी है ऑलरेडी। और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2 प्लस बॉन्ड CH3, तो ये कार्बोकटायन हम पे बन गया। तो जैसे ही हम पे इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बना, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि जब भी कार्बोकटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होने के चांसेस होते हैं। एंड जब भी कार्बोकटायन बनेगा, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा हमारे पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इसका अटैक होगा। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, ठीक है, इस पे ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है CH2+, तो इस पे जैसे ये अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH2X बॉन्ड CH3। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड बना लिया। तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड बना किससे, सिमेट्रिकल रिएक्शन से। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड हो, ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो, कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ इस तरह से हमारे पास कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरह से कोई कंडीशन है हमारे पास। इसका रिएक्शन HX के साथ कराना है, तो यहाँ पे मैं HCl ले लेता हूँ, कोई दिक्कत। HCl का मतलब H प्लस Cl माइनस। तो ये दो केस में हो सकता है, ठीक है, दो तरह से रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन कि ये जो बॉन्ड है इसे मैं इधर शिफ्ट करूंगा या मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब ये शिफ्ट करने के तरीके अलग-अलग हैं। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो मैं बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट अलग बनेगा, और अगर मैं बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट अलग बनेगा। चलिए देखते हैं दोनों केस में प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, उसके बाद बात करेंगे सही कौन सी थी, ठीक है। तो पहले केस में मैंने बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, तो इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, सेकेंड केस में मैंने बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, तो इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस। तो पहले पहला वाला केस करते हैं, बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया गया, इधर शिफ्ट किया तो माइनस इस पे आया, तो ये एच प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी बन जाएगी CH3 बॉन्ड CH पे प्लस आ गया और बॉन्ड CH3, क्योंकि CH2 माइनस के साथ एच प्लस जुड़ा, ये बन चुका है, ठीक है। अब हमारे पास Cl माइनस बचा, अब हमारे पास कार्बोकैटायन तो बन चुका है ना, तो यहाँ पे Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट हुई होती तो माइनस इस पे आता और इस पे क्या आता, प्लस चार्ज आता। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता, CH3 बॉन्ड, अब ये एच प्लस जो है माइनस पे चला जाता, तो माइनस पे जाता तो ये बन जाता CH2 बॉन्ड, और ये CH2 पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता, क्योंकि जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होती तो इस पे प्लस चार्ज आता सेकंड केस में, और इसमें भी Cl माइनस अटैक करता तो ये प्रोडक्ट बनाता CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो कार्बोकटायन है वो 2 डिग्री कार्बोकटायन है, 2 डिग्री कार्बोकटायन बनाता, और यहाँ पे जो कार्बोकटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकटायन है। तो 2 डिग्री मतलब ये दो, एक इधर ये 2 डिग्री, ठीक है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2 डिग्री, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ये साइड है तो 1 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल, और 1 डिग्री कार्बोकटायन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, तो ये क्या बनाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है, लेस स्टेबल है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। चलिए,
अब एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि अगर हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है और सही बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसी रूल को समझाने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए एक हमारा जनरल रूल है, वो है मार्कोवनिकोज रूल। तो मार्कोवनिकोज रूल क्या कहता है? मार्कोवनिकोज रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट, ठीक है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। क्या होंगे? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रही है, तो ये Cl- जो है वो किस पे जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे। तो इस पे कितना हाइड्रोजन है? 1। और इस पे कितना हाइड्रोजन है? 2। तो ये Cl किस पे जाएगा? इस वाले पे जाएगा। तो देखो Cl इस पे तो गया है और मेजर प्रोडक्ट यही है, तो इसका मतलब मार्कोवनिकोज रूल सही बताता है हमें। क्लियर हुआ? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मार्कोवनिकोज रूल क्या बोलता है? कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज ऑन डेड कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी का उल्टा एक और रूल होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकोज रूल, ठीक है, या परोक्साइड इफेक्ट। तो वो इसका उल्टा होता है, वो बोलता है कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो घबराना नहीं है कि कब मार्कोवनिकोज लगाएंगे और कब नॉन एंटी मार्कोवनिकोज रूल लगाएंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि किस केस में मार्कोवनिकोज लगेगा और किस केस में एंटी मार्कोवनिकोज रूल लगेगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर मार्कोवनिकोज रूल भी याद नहीं है, लेकिन हमें 11th क्लास का जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट याद है। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट याद है। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि CH3 जो होता है वो एक प्लस आई ग्रुप होता है। CH3 कौन सा ग्रुप होता है? एक प्लस आई ग्रुप होता है, और प्लस आई ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और इस पे अगर पॉजिटिव आएगा तो Cl- इसी पे तो अटैक करेगा। तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट जो होगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा, वो कैसे बनेगा और कब बनेगा। तो पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट की नॉलेज हो, या हमें ये दोनों, ये क्या नहीं पता हो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, या हमें मार्कोवनिकोज रूल पता हो कि अगर हमें ये सब कुछ नहीं पता है तो हमें सिर्फ मार्कोवनिकोज रूल लगाना है और हमें सही प्रोडक्ट तक पहुंच जाना है, अपने आंसर तक पहुंच जाना है। तो आई होप मार्कोवनिकोज रूल क्या होता है और एंटी मार्कोवनिकोज रूल क्या होता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कि कब मार्कोवनिकोज रूल लगेगा और कब एंटी मार्कोवनिकोज रूल लगेगा। तो देखिए, अगर कहीं सिंपल लिख रखा है HBr, क्या लिख रखा है? HBr। अगर कहीं सिंपल लिख रखा है HBr, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना लगाना है, क्या लगाना है? मार्कोवनिकोज रूल लगाना है। लेकिन अगर कहीं लिख रखा है HBr साथ में परोक्साइड, अगर कहीं लिख रखा है, क्या लिख रखा है? परोक्साइड, तो उस केस में एंटी मार्कोवनिकोज रूल लगाना है। क्या लगाना है? एंटी मार्कोवनिकोज रूल लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि CH3 बोन CH डबल बोन CH2, इसका रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ। ठीक है, और सेम क्वेश्चन हमारे पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो देखो, सिर्फ अगर HBr है तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोवनिकोज रूल लगेगा। ठीक है, मार्कोवनिकोज रूल कहता है नेगेटिव पार्ट मतलब Br- कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे 2 है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट CH3CH, ये Br और ये सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि बॉन्ड तो हटेगी ना क्योंकि साइन आए होंगे। लेकिन अगर HBr के साथ परोक्साइड लिख रखा है तो एंटी मार्कोवनिकोज रूल लगाना है। ठीक है, वो बोलता है जो नेगेटिव पार्ट है मतलब Br- है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो ज्यादा इस वाले पे है तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। तो इस तरह से हमें पता करना है कब मार्कोवनिकोज रूल लगेगा और कब एंटी मार्कोवनिकोज रूल लगेगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके कुछ सामने हैं, इन क्वेश्चंस में आप वीडियो पॉज करके बिना आंसर देखे इनके लिख सकते हैं क्वेश्चन और देख सकते हैं कि क्या सही में मार्कोवनिकोज और एंटी मार्कोवनिकोज रूल लगा कि यही प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे। जैसे यहाँ पे दे रखा है HBr के साथ परोक्साइड लिख रखा है तो प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो इस वाले पे जाएगा क्योंकि इस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इस पे कम है, तो परोक्साइड का मतलब है एंटी मार्कोवनिकोज रूल लगाना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा है तो इसका मतलब मार्कोवनिकोज रूल लगेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे एक भी नहीं है, तो इस पे जाएगा Br-। ठीक है, तो इस तरह से। सेकेंड होता है हमारे पास कि अगर हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है और हमारे पास क्या है? एल्कीन गिवन है, तो हम डायरेक्ट हैलोजन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहां पे ध्यान रखना है, जैसे ये एल्कीन है हमारे पास, तो यहां पे जब हैलोजन ऐड होगा
तो यहाँ पे जो होता है वो एंटी एडिशन होता है। क्या होता है एंटी एडिशन, कहने का मतलब एक हेलोजन ऊपर की तरफ ऐड होगा और एक नीचे की तरफ ऐड होगा, ठीक है, इस तरह से ऐड होता है। तो ध्यान रखना है जब भी किसी एल्कीन में हेलोजन को हम ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, एंटी एडिशन होता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।